चित्रकूट के घाट पे भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुवीर। हनुमान जी ने जैसे ही तोते के रूप में आवाज लगाई और गोस्वामी जी ने तुरंत सुना और प्राण खड़े हो गए। तुलसीदास चंदन घसे तिलक देत रघुवीर, आप चंदन घिस रहे हो, आपके तिलक जो लगा रहे हैं स्वयं रघुवीर जी। जैसे ही भगवान का कार, गोस्वामी जी ने तुरंत परमात्मा के चरण पकड़ लिए। प्रभु आज मेरा जीवन धन्य हो गया, मैं परमात्मा तक पहुंच गया हूँ, आप मेरे ऊपर कृपा करो। अरे महाराज, आपके तिलक लगाया, आपके ऊपर कृपा हो गई है, आप जो करोगे आपका मनोरथ सब सिद्ध होगा, ऐसा आशीर्वाद भगवान श्री राम जी ने दिया। गोस्वामी तुलसीदास ने एक दोहा लिखा कि तुलसी इस संसार में सबसे मिली ये धाय, पता नहीं किस रूप में नारायण मिल जा। महाराज, मैं तो सोच रहा था कि भगवान आएंगे तब चार हाथ होंगे, माथे पे मुकुट होगा। नहीं, भगवान किसी भी रूप में आ सकता है। तुलसी इस संसार में सबसे मिलिए धाय, सबसे जो है प्रसन्नता मिलिए, क्योंकि किसी भी रूप में भगवान मिल सकते हैं, भगवान किसी भी रूप में आ सकते हैं। हम सोचते हैं कि भगवान किस रूप में आएंगे, कैसे मिलेंगे, तो ये मन का विकार जो है कैसे दूर होगा, ये मन का विकार होगा भगवान के नाम से, साबुन से। महात्मा कहते हैं ओ राम नाम के साबुन से जो मन का मेल गवाएगा, निर्मल मन के दर्पण में वो राम का दर्शन पाएगा। राम नाम की साबुन से जो मन का मेल गवाएगा, निर्मल मन के दर्पण में वो राम का दर्शन पाएगा।
सखर क्यों उसको विसराया है। Oh,
पुत्री साथ तुम्हारे जाएगा। निर्मल मन के शीशे में वो आपका दर्शन पाएगा। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की।